ढुलाया उठाया, तो कोई भी हलचल नहीं थी बॉडी में। तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया जो कि वहीं पास में रहती है, उनको बुलाया, तब पता चला उनको कि उनकी डेथ हो चुकी है। और डेथ कैसे हुई है, हार्ट अटैक आके उनके सीने में दर्द उठा था, और उससे पहले उन्होंने जो दवा खाई थी वो दवा कौन सी दवा खाई थी, आखिर कौन सी दवा थी? कहते हैं बंदर हनुमान जी का रूप होता है। अब बंदर ने देखो क्या नुकसान करा है। खाती हूँ, ये देखो कितनी चीनी फैलाई, ये चीनी में हो गई चीटी, में लग गई थी छत पे। ये बहुत सारी चीटियाँ हो गई थी चीनी में, तो मैंने छत पे धूप में रख दिया। मैंने सोची धूप में निकल जाएंगी चीटी और तभी मैं नीचे ले जाऊंगी, किसी और डिब्बे में कर लूँगी। लेकिन बंदर सच में कोई चीज़ छत पे नहीं रखने दे रहे, कोई भी चीज़, इतना नुकसान कर रहे हैं हद से ज़्यादा। अब तो घर में इतनी सारी चींटी होकर नीचे रखूँगी तो सब में चींटी भरेगी, कपड़ों में तक चढ़ रही थी, तो मैं छत पे रख गई धूप में, मेरे को निकल जाएंगी चींटी। मैगी बताओ, लोग कहते हैं कि मंगल को चना और गुड़ खिला, इन लोगों को, बंदरों को हमारे जो आ रहे हैं इतना खिला रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे ही नुकसान कर रहे हैं, क्या फ़ायदा खिलाने से? और पहले नहीं आते थे बंदर, अब हद से ज़्यादा बंदर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं, दोपहर ही हो, शाम हो, किसी भी टाइम। यहाँ पे ये पेड़ है, ये पेड़ पे ही बैठे रहते हैं हर समय बंदर के सामने। मैगी को बुला तो भागेंगे, इतना दुखी कर रखा है, क्या करें इन बंदरों का, क्या नहीं करें। छत पे ना तो गेहूँ डाल सकते, कुछ भी नहीं डाल सकते, डालो तो फिर रखाओ बैठ के, तब डाल सकते, इतना नुकसान करके रखा है। चलो फिर लेके जाती हूँ मैं नीचे। चलो मैगी, बहुत चींटियां भर रखी है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज गया है, और आज सुबह से बार बार बारिश हो रही है। आज कपड़े बहुत सारे धुले थे, कपड़े तो बारिश हो रही, कई बार बारिश हुई, बार बार उठा उठा के लेके आ रही। और अभी ये तकिए के खोल वगैरह है, ये देखिए चढ़ाना है, धुल के डाले थे आज मैंने। और आज अभी शाम हो गई, मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और मन हो रहा है ना चाय के साथ पकौड़ी खाने का, प्याज की, तो सोच रही हूँ चलो प्याज की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में तो पकौड़ी वगैरह अच्छी लगती हैं। तो चाय बना रही तो थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी बनाऊँगी, अब जुकाम भी हो रहा है, तेज़ अदरक की चाय बनाऊँगी पत्ती डाल के, खूब खड़ी पत्ती डाल के। तो चलिए बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज आलू को वॉश करके हरी मिर्च काट ली है इसमें, यहाँ पे मैंने दूध रख दी, वो सॉरी चाय बनने रख दी है साइड में, और मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है, रिफाइंड ऑयल। और अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ हींग इसमें थोड़ी सी, हींग से हाजमा अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने ले लिया है बेसन, बेसन अपना यूज़ के हिसाब से जितना इसमें लगे। और उसके बाद हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर,
ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं और हल्का सा जीरा भी डाल दिया है। उसका हाजमा अच्छा होता है जीरा से। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने पानी लिया है हल्का सा, ताकि ये गीले हो सके। जितना ही सॉफ्ट होगा ना उतना ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा। और उसके बाद देखिए तेल हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल में डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल है ये, सरसों के ऑयल में नहीं बना रही मैं, रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ कि इसमें अच्छा बनता है पकौड़ी वगैरह। तो देखिए मैंने सारी डाल दी हैं, इसको अच्छे से मैं फ्राई होने दूँगी मीडियम आँच पर। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी ये पकौड़ियाँ सच में, क्योंकि मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे समोसों से ज़्यादा अच्छा पकौड़ियाँ लगती हैं, मुझे इतना अच्छा समोसे नहीं लगते हैं। अब ये देखिए सिक चुकी हैं अच्छे से और क्रिस्पी हो गई। यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, तो चाय की गैस ऑफ कर देती हूँ। चाय भी साथ साथ बन गई है और साथ साथ पकौड़ियाँ भी हमारी बन चुकी हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं कर लेती हूँ चाय। बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ बन जाएँ और फटाफट पी लें चाय हम। तो छोटी वाली बेटी को तो इतना नहीं पसंद है, लेकिन बड़ी वाली को बहुत पसंद है। छोटी वाली ने बहुत कम ही खाया था। तो देखिए मैं यहाँ पे चाय कर लेती हूँ। और माइंड मत करिए कि हम लोग गिलास में, क्योंकि गिलास में हम लोग को ज़्यादा ठीक लगता है, गिलास में ही ज़्यादातर पी लेते हैं। छोटी वाली गिलासियाँ हैं ये, कप में बहुत कम पीते हैं चाय। तो देखिए पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, हमारी चाय पकौड़ी बन गई है। ये देखिए ये है चाय, ये पकौड़ी है और बन रही है। पसीना देखो कितना आ गया है, आप लोग भी खा लो गरम गरम पकौड़ी। नन्नू खिला रही पकौड़ी, बहुत बढ़िया होगी, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। मुझे पता है प्याज की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। उन्नी को तो बुला लो, चाय ठंडी हो रही है। बाबू सो रहा है। हेलो गाइस, तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मुझे ना कल रात में ही अभी पता चला जो एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला हैं उनकी डेथ हो गई है। सच में मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और मुझे जब कल पता चला ना, तो कल ही मैं वीडियो बनाना चाहती थी बट काफ़ी रात हो चुकी थी तो इसलिए मैं नहीं बना पाई और ना ही, लेकिन मुझे सच में शौक हो रहा है ये जानकर कि मतलब इसी तरह सेम इसी तरह ना सुशांत सिंह की भी डेथ हुई थी। उनको भी ये बोला गया था कि उन्होंने खुदकुशी की और इतनी कम उम्र में, मतलब अभी कोई उनकी उम्र नहीं थी, जो कि उनको हार्ट अटैक आ गया। और ऐसा सुना जाता है, जब मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की कि सिद्धार्थ शुक्ला को आखिर हुआ क्या था, क्योंकि मैं इस चीज़ से हैरान थी क्योंकि सुशांत सिंह जो हैं वो भी, उनकी भी डेथ हो गई थी और इसी तरह इनकी भी सेम एज के होंगे दोनों शायद। तो मुझे ये सोचना था कि मतलब एकदम अचानक क्या हो गया था। मैंने उनके बारे में जाना जब तब पता चला उनको हार्ट अटैक आ गया था सिद्धार्थ शुक्ला को। और 2 तारीख की शाम को वो अपनी माँ के साथ थोड़ा बाहर घूमने भी गए थे और उसके बाद शाम को आए थे। उनके मतलब उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने कोई सी दवा खाई थी और दवा खा के वो लेट गए थे। पहले उन्होंने अपनी माँ से पानी मांगा था, पानी उन्हें पिया, उसके बाद दवा खा के वो लेट गए। और 3 तारीख की सुबह को जब वो उठे हैं तो उनको मतलब उठे ही कहाँ, 3 तारीख की सुबह को उनकी माँ जब रोज़ की तरह उनको उठाने गई थी तो उनके बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने उठाया, उन्होंने सोचा शायद गहरी नींद में सो रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने काफ़ी हिलाया ढुलाया उठाया तो कोई भी हलचल नहीं थी बॉडी में। तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया जो कि वहीं पास में रहती है, उनको बुलाया, तब पता चला उनको कि उनकी डेथ हो चुकी है। और डेथ कैसे हुई है, हार्ट अटैक आके उनके सीने में दर्द उठा था। और उससे पहले उन्होंने जो दवा खाई थी वो दवा कौन सी दवा खाई थी, आखिर कौन सी दवा थी, सोचने वाली ये बात है कि दवा खा के ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो ये दवा कौन सी थी, कैसी थी, किस चीज़ की थी, उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह दोनों की मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है, दोनों की मौत के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और ऐसा मुझे भी लग रहा है शायद, क्योंकि अक्सर ऐसा क्या होता है ना,
एक याद है ना कि दिव्या भारती को भी जलस की वजह से, उनकी पिक्चर ज़्यादा हिट होने लगी थी तो उनको जलस की वजह से तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया था, ऐसा सुना होगा आप लोग ने। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इन लोगों के बीच में भी कोई ना कोई कनेक्शन है, इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ हो गई। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं एक सीरियल देखती थी बालिका वधू, तो उसमें से सिद्धार्थ शुक्ला का जो रोल था ना नंदी के साथ, तो वो रोल जैसे मुझे तब से ही सिद्धार्थ शुक्ला को मैं जानने लगी, पहले मैं नहीं जानती थी। मैं इतना हीरो हीरोइन किसी को ज़्यादा नहीं जानती, बहुत कम लोगों को जानती हूँ, मुझे नाम ही नहीं पता है क्या है क्या नहीं। लेकिन जब मुझे वो सीरियल में मैं देखती थी ना सिद्धार्थ शुक्ला को, सच में मुझे इतना अच्छा लगता था वो नाटक, और ये समझ ली मैं फ़ैन हो गई उनकी। उनका जो रोल था ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन अब सच में उनकी जब ये चीज़ मुझे पता चली ना कि उनकी डेथ हो गई, सच में मुझे बहुत, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा शौक लगा। मुझे पता ही नहीं था, मुझे मेरे फेवरेट हीरो हैं ये समझ लीजिए वो, और एक सुशांत सिंह वो भी मेरे फेवरेट हीरो थे, क्योंकि मैं पवित्र रिश्ता देखती थी, उसमें भी मैं देखती थी उनको, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनका सीरियल वगैरह। उनकी फिल्म आई थी एक, वो भी मुझे बहुत पसंद थी। तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे, बस ये भी मुझे भी लगता है, जहाँ तक लोगों को लगता है वैसा मुझे भी लगता है कि सुशांत सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों के बीच, दोनों के मौत के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, कुछ ना कुछ तो रूल है, कुछ तो घोटाला किया गया है। जो कि अचानक इस उम्र में हार्ट अटैक, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे। तो बस मुझे इतना ही सब कुछ शेयर करना था आप लोग के साथ, चूँकि मैं शेयर कर रही हूँ, और आगे जो भी पता चलेगा मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि शायद जो मैं सोच रही हूँ वो और लोग भी सोचें, इस चीज़ पर मुद्दा मतलब बात उठे। वैसे मेरे कहने से तो कोई नहीं, लेकिन हाँ मेरे माइंड में ऐसा बात आई तो मैं बोल रही हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना गाइस।